जय हिंद। जी हाँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट और गुड न्यूज निकल कर आ गई है। मेजर जनरल सतबीर सिंह साहब ने यहाँ ट्वीट करके यह जानकारी दी, 2 घंटे पहले दी है। यह ट्वीट 4 अक्टूबर का है, जो ओआरओपी पर है। जी हाँ, ओआरओपी पर अब तक की सबसे बड़ी और लेटेस्ट न्यूज यहाँ पर निकल कर आ चुकी है। जनरल साहब ने ट्वीट कर दिया है। यदि आप भी मेजर जनरल सतबीर सिंह साहब को फॉलो करते हैं तो आपको भी यह ट्वीट उनके ट्विटर अकाउंट में मिल जाएगा। उन्होंने एक रिप्लाई दिया है, जिस रिप्लाई में बोला गया था कि कैबिनेट हैज नॉट अप्रूव्ड ओआरओपी एरियस एट, यानी कि कैबिनेट ने अभी तक ओआरओपी के एरियस को अप्रूव नहीं किया है। उसके रिप्लाई में उन्होंने चटर्जी साहब को एक रिप्लाई देते हुए उन्हें कहा है कि वी विल गेट आवर एरियस सून, मे बी बाई दिवाली। कहता है, वो बोल रहे हैं कि हम अपना एरियस जल्दी ही पा सकते हैं, हो सकता है कि दिवाली तक भी मिल जाए हमें। मैक्स गवर्नमेंट हैज टाइम टिल 15 दिसंबर 2022। गवर्नमेंट के सामने ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिसंबर 2022 तक का समय है। ऑल वर्क्स कंप्लीटेड, सारे काम हो गए हैं। कैबिनेट अप्रूवल अवेटेड, कैबिनेट अप्रूवल का इंतजार है। विच विल कम सून, जो जल्दी ही आएगा। विथ दिस स्टेटमेंट ड्यूरिंग HSC सुप्रीम कोर्ट हियरिंग, द गवर्नमेंट गॉट एक्सटेंशन ऑफ टाइम। इसके दौरान सुप्रीम कोर्ट के हियरिंग सुनवाई के दौरान गवर्नमेंट को ने जो एक्सटेंशन का टाइम लिया था 15 दिसंबर तक, ज्यादा से ज्यादा वहां तक खींच सकता है। देयर शुड बी नो अदर रीजन, गवर्नमेंट शुड पे द एरियर्स। इसके अलावा अब कोई कारण नहीं हो सकता है, सिर्फ गवर्नमेंट को अब उनका एरियर्स, हमारे पेंशन भोगियों को उनका एरियर्स देना ही पड़ेगा, दे देगी। मैं एक बार फिर बता दूं कि ये लिखते हैं कि मे बी बाई दिवाली, दिवाली तक भी आपको यह खुशखबरी, यह सौगात मिल सकती है। मैं सारे लेटेस्ट न्यूज को, लेटेस्ट ट्वीट को, जितने भी लेटेस्ट लेटर निकलते हैं, उन सब को जल्दी से जल्दी आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं, आपको खुशी देने की कोशिश करता हूं। आपको जो भी सौगात आपके लिए निकल कर आती है सरकार की तरफ से, वो सब मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश में लगा हूं। और आप बने रहें हमारे साथ।